तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है, आप लोग देख सकते हो, स्कॉर्पियो एमोक इंजन में। इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, इसके जो कूलेंट है, कूलेंट में इंजन ऑयल आ जा रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो प्रॉब्लम तो आप लोगों को फिक्स करके बताएंगे। लेकिन आप लोग नीचे में देख सकते हो, कूलेंट में इंजन ऑयल आने की वजह से तो कूलेंट के कलर क्या हुआ है। तो अभी हम लोग कूलेंट को ड्रेन के इसके नीचे में रेडिएटर के नीचे में जो पाइप लगा रहता है, उस पाइप को खोल के, तो इसमें जो कूलेंट टैंक है उसके ऊपर में देख सकते हो अभी भी लगा हुआ है। और अंदर में आप लोग देख सकते हो किस टाइप में पूरे मक्खन जैसे हो गया अंदर। तो अभी नीचे से दिखाते हैं, जो इधर से हम लोग इसको ड्रेन किए हैं वहाँ का हालत क्या है। चलिए आप लोगों को नीचे से दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो नीचे में पूरी देख सकते हो वाइट हो गया है, सादा हो गया है, अभी भी टपक रहा है देख सकते हो पाइप से। तो इधर से हम लोग इसके कूलेंट को ड्रेन किए तो कुछ ऐसा निकला है गाड़ी के कूलेंट से, मतलब गाड़ी के रेडिएटर से, इंजन से। अभी भी देख सकते हो पाइप के अंदर किस तरह से बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको अभी हम लोग तो क्लीन करेंगे, लेकिन क्यों हो रहा है इसमें ऐसा प्रॉब्लम, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम के कारण इंजन के लेफ्ट साइड में एक सामान डिस्टर्ब की वजह से हो रहा है। सो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हम लोग लेफ्ट साइड में आ गए हैं। सो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे इसमें जो ऑयल फिल्टर है, इस ऑयल फिल्टर जहाँ पर टाइट है उसी के नीचे में ऑयल कूलर रहता है, जहाँ पर कूलेंट रोटेट होता है इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए। वो वाला सामान अगर लीकेज होगा, अगर डिस्टर्ब होगा उसमें, तो जो ऑयल है इंजन ऑयल, वो इंजन ऑयल कूलेंट से तो इंजन ऑयल के प्रेशर ज़्यादा होता है। सो जब लीकेज होता है तो इंजन ऑयल की ज़्यादा प्रेशर की वजह से उस ऑयल कूलर के अंदर में कूलेंट के साथ इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने के कारण कुछ इस टाइप में कूलेंट का कलर होता है। सो नीचे में अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, नीचे में जो आप लोगों को दिख रहा है, सो ये है इसका ऑयल कूलर, जहाँ पर इंजन ऑयल मतलब मोबिल फिल्टर से, ऑयल फिल्टर से इंजन ऑयल ठंडा होकर इंजन में वापस जाता है। तो इसके अंदर में कूलेंट रोटेट होता रहता है। ये सामान जो है अभी लीकेज हो गया है। सो ये सामान को अभी हम लोग चलिए चेंज करते हैं। और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप में ऑयल कूलर रहता है, ये इसमें हम लोग अभी लगाने वाले हैं। सो ये नया ऑयल कूलर है, आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसमें जो दोनों साइड में दो पाइप लगाने के लिए पोजीशन दिया हुआ है, सो वो दोनों साइड से, एक साइड से कूलेंट आता है, इन होता है, और दूसरे साइड से कूलेंट आउट होता है जो रोटेट होता है ना। तो दोनों साइड से, एक साइड से आते हैं, दूसरे साइड से निकल जाता है। तो इसी टाइप में इंजन ऑयल ठंडा होता है। सो ये वाला इसमें पुराना वाला जो लगा था देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग इधर से इसका पुराना वाला ऑयल कूलर को निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो पुराना वाला ऑयल कूलर, तो इसी के बगल में ये हम लोग रखे हैं नए वाले ऑयल कूलर को, ये आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम लोग अभी फिटिंग करते हैं गाड़ी के इंजन में। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसमें देख सकते हो गाड़ी में नए वाले ऑयल कूलर को लगा लिए हैं। तो अभी चलिए ऊपर से तो आप लोग देख लिए, अभी नीचे से आप लोगों को दिखाते हैं ऑयल कूलर को नया वाला। ये वाला है इसका पुराना वाला ऑयल कूलर। और इसको लगाने के टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसके नीचे में जो आपका ओरिंग रहता है, उस ओरिंग को अच्छा से बिठाकर टाइट करना है, नहीं तो फिर उधर से ऑयल लीक होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फिट कर लिए हैं, चलिए बाकी सारा चीज़ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी हम लोग सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद इसमें जो है नॉर्मल पानी हम लोग डाले हैं। नॉर्मल वाटर डालने के बाद इसमें हम लोग जो हार्पिक होता है, तो उस हार्पिक को डाले हैं और कुछ देर के लिए इसको स्टार्ट रखते हैं और इसको हीट होने देते हैं। तो ये हीट होने के बाद हम लोग इसको जो निर्मा होता है पावर, उस पावर को पानी में घोल कर इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हो अभी थोड़ी देर बाद इसको हीट होने के बाद हम लोग खोले हैं इसके ढक्कन को, तो किस टाइप में निकल रहा है आप लोग देख सकते हो इसके अंदर से कूलेंट। तो कुछ ऐसे प्रोसेस में इसको साफ़ करने से पूरी बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स अभी देखिए कितने ज़्यादा अभी निकल रहा है इसका अंदर से जो इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स है वो सारा। अभी हम लोग इसमें वो पावर और जो पानी होता है उसको मिक्स करके अभी हम लोग इसमें ढालेंगे। तो फ्रेंड इसे बहुत थोड़ी देर तक करने के बाद हम लोग पूरे अच्छे तरीके से इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम लोग इसमें रेडिएटर फ्लश जो होता है रेडिएटर फ्लश डाल के इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद कूलेंट डालेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसको पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं और कौन सा रेडिएटर फ्लश हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं चलिए आप लोगों को पहले उसको दिखा देते हैं, उसके बाद हम लोग उस रेडिएटर फ्लश को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है इसमें जो रेडिएटर फ्लश है इसको अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इस रेडिएटर फ्लश में हम लोग रेडिएटर को अच्छे तरीके से पूरे फ्लश करेंगे, फ्लश करने के बाद फिर हम लोग कूलेंट डालेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए पूरे तरीके से हम लोग साफ करने के बाद वॉश करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हो हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी इसका डब्बा देख कर अंदाज़ा लगा सकते हो जो कूलेंट टैंक है इसको देख कर, तो बहुत ही बढ़िया से इसको साफ़ कर लिए हैं और फ्रेंड्स अंदर भी आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग इसमें कूलेंट डालते हैं। सो कौन वाला कूलेंट अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं पहले उसको हम लोग दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो जो कंपनी का हम लोग इसमें रेडिएटर फ्लश यूज किए हैं उसी कंपनी के हम लोग कूलेंट भी इसमें यूज करेंगे। सो 3 लीटर कूलेंट और बाद बाकी इसमें सारा पानी डालेंगे नॉर्मल पानी। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसको अभी हम लोग डाल लिए हैं और अभी हम लोग करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और स्टार्ट करने के बाद इसका जो कूलेंट का लेवल होता है उस लेवल का हम लोग अभी चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अभी इंजन स्टार्ट है और इसके कूलेंट के लेवल भी आप लोग देख सकते हो बराबर है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फ्रेंड्स।